राघोगढ़ से माखन सैनी की रिपोर्ट। राघोगढ़ श्री गणेश मंदिर माली समाज रामनगर रोड स्थित प्रांगण में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा विधवा महिलाओं एवं वृद्ध जनों का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे जयवर्धन सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राघोगढ़ विधायक रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत समाज के सभी वरिष्ठ जनों ने साफा एवं माला पहनाकर किया। जयवर्धन सिंह ने भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चन कर सभी को संबोधित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में माताओं का योगदान एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद आदि के बारे में बताया। महिलाओं को समूह से जोड़ने आदि के बारे में बताया। साथ ही उपस्थित सभी विधवा महिलाओं एवं वृद्ध जनों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र शर्मा, भारत जोड़ो यात्रा जिला प्रभारी देवेंद्र मीना, जिला पंचायत सदस्य लेखराज लोधा, पार्षद अशोक मीना, कोमल बुनकर, कमलेश सैनी, भानु सोनी, प्रदीप सैनी, चंद्रप्रकाश बुनकर, सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप सैनी, अतीक खान, शाहरुख खान, दुर्गा प्रसाद सैनी, राहुल अहिरवार, जितेंद्र सुमन, नवाब खान, सतीश सैनी, समाज सेवी मधुसूदन पंथी सहित माली समाज के सभी वरिष्ठ जन, युवा साथी, अन्य पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मोनू सैनी ने किया एवं आभार सतीश सैनी ने माना। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UPN 08 के साथ। 160 महिलाओं के समूह बनाए हैं और अभी जो हमारी एक और संस्था है जिसके द्वारा लगभग अभी 3 कार्यक्रम हो चुके हैं, सत्यम संस्था जो है, सत्यम सेवा संस्था है, उन्होंने भी अनेक महिलाओं के समूह बनाए हैं और उन समूह के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण मिल रहा है सिलाई में, अन्य कार्यों में, जिसके माध्यम से जो हमारी माता बहनें हैं वो और आत्मनिर्भर हो जाए और अकेले जो हमारी व्यवस्था नगर पालिका की, उसके माध्यम से अभी तक जो समूह है माता बहनों के, उनको अभी तक 50 से 60 लाख का पैसा वितरित हो चुका है। 50 से 60 लाख उनके बैंक की लिंकेज हो चुकी है और आज भी तक ऐसी हम माता बहने विराजमान हैं जो अभी कोई समूह में शामिल नहीं है। मैं आपसे विशेष प्रार्थना करूंगा कि आप या तो ये जो समूह है उनमें शामिल हो पाए, ताकि जो हमारी माता बहनें समूह में काम कर रही हैं वो आर्थिक रूप से और सक्षम हो सके। मैं बधाई देता हूं हमारे युवा साथियों को जिन्होंने इतने अल्प समय में यहां पर ये आयोजन रखा है। आगे भी हम प्रयासरत रहेंगे।